दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो वी गार्ड कंपनी का इंडक्शन है, ओके, जिसका मॉडल नंबर है VIC10। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि E7 का एरर कोड आ रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि इसमें E8 का एरर कोड आता है तो मेटल को सेंस करता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है, तीन एरर कोड आते हैं। कौन कौन से एरर कोड आते हैं? एक तो आता है E7 जो आपका IGBT सेक्शन का होता है, और दोस्तों एक जो आता है E4 जो आपका लो वोल्टेज का होता है, और एक आता है E3 जो हाई वोल्टेज का होता है। तो सबसे पहले मेरे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है E7 का है, यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ, सप्लाई देना दोस्तों, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ और ये ऑप्शन है मैनुअल का, तो यहाँ पे दूंगा तो डिस्प्ले में E7 आएगा, इसमें E8 आएगा तो मेटल को सेंस करता है, ओके। दोस्तों, ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट है, कौन से कंपोनेंट को खराब है और कैसे कैसे चेक करोगे, पूरा मेथड बाई मेथड इसको मैं सिद्धांत बाई सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, ओके। अभी दोस्तों बहुत कोई मेरे से कमेंट करता है कि सर, मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला वायर होता है उसको कहाँ पे लगाते हैं? तो देखो, सबसे पहले दोस्तों मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला वायर है, ये आपको मैंने एक वायर ले लेता हूँ, ऐसे यहाँ पे क्लिप कर देता हूँ। और जो PCB का आप देखते हो निगेटिव पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आपको बार बार बोलता हूँ कि इतना आप ध्यान देना, ये जो आप देखते हो कैपेसिटर, यहाँ पे नोट कर लो, एक कैपेसिटर देखते हो ना, ये आपका ये सिंबल है निगेटिव का, ओके। तो ये वाले ट्रैक में आप समझ लो ये निगेटिव वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। ये देखो, यहाँ पे लगा सकते हो आपका IGBT का एमीटर, ए वाला पॉइंट हो गया, ए वाला पॉइंट पे भी लगा सकते हो। IGBT का एमीटर पे आसानी से लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निगेटिव पॉइंट, यहाँ पे देखो IGBT का एमीटर वाला ट्रैक है, यानी निगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसका डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, जो नए लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी दोस्तों मैंने लगा दिया, मल्टीमीटर मेरा ऑटो रेंज का है, तो ऑटो यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट को चेक करेंगे, कौन कौन से वोल्टेज को मेजर करेंगे, तो नॉर्मल दोस्तों अभी क्या करना है, चलो मैं इस साइड से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना इस प्रॉब्लम को, यहाँ पे सप्लाई दे दो। सप्लाई देने के बाद दोस्तों अभी आपको चेक करना है, एक क्वाइल का समझ लो इनपुट पॉइंट होता है, एक क्वाइल का आउटपुट पॉइंट होता है, तो हमेशा दोस्तों आपको फोकस करना है क्वाइल के इनपुट वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे 339 वोल्ट आता है, ओके। नॉर्मल दोस्तों यहाँ पे फोकस करेंगे, जितना AC वोल्टेज अप्लाई करते हो उतना यहाँ पे उससे 100 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए DC में। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज आना चाहिए सेम, और यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे भी वोल्टेज आनी चाहिए, तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, ओके। अब बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा है, 820K का 820K का। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या करता है दोस्तों, एक क्वाइल का इनपुट और क्वाइल का आउटपुट, यानी IGBT का कलेक्टर, ये दोनों का फीडबैक, क्वाइल का इनपुट का फीडबैक और क्वाइल का आउटपुट का फीडबैक, ये माइक्रो कंट्रोल IC को दो पिन पे जाएगा, ओके। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से पिन पे जाएगा, तो एक नंबर पिन जो होता है दोस्तों एक क्वाइल का आउटपुट है, तो IC का एक नंबर पिन को यहाँ पे नोट करेंगे, ये आपका एक नंबर पिन है। तो यहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज को, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, एक नंबर पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। फिर दो नंबर पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे दो नंबर पिन पे 1 वोल्ट करीब में आ रहा है, आप नोट करेंगे, देखिए दो नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 1 वोल्ट के करीब में आ रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों नॉर्मली आपको बताऊँगा 1 वोल्ट के करीब में आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एकदम 0.0 वोल्ट आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस करना है, आपको कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा नोट कर लो, कोई सा भी कंपनी का इंडक्शन रहे 99% हमेशा आपको याद रखना है कि क्वाइल का इनपुट और क्वाइल का जो आउटपुट दोनों का फीडबैक चाहिए माइक्रो कंट्रोल IC को। माइक्रो कंट्रोल IC क्या हो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब दोस्तों एक नॉर्मल से मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो एग्जांपल है एकदम आसान एग्जांपल है। सबसे पहले यहाँ पे नोट करो, मैंने यहाँ पे बना देता हूँ दो पाइपलाइन, यहाँ पे मैं दो पाइपलाइन बना दिया, ओके। सपोज डेट यहाँ से पाइप में पानी आ रही है, दोनों में पानी में आ रही है, कहीं से भी पानी है, फिर यहाँ से पानी इन हो रही है और यहाँ से भी पानी आउट हो रही है। अभी यहाँ पे नॉर्मल मैंने बता देता हूँ कि यहाँ पे 16 लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, 16 यहाँ पे खड़े हैं, इसके अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अभी नॉर्मल यहाँ पे 16 लोग हैं। यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे रहेगा, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, और यहाँ पे 8 नंबर आदमी है, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 16, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 16 आदमी हैं, और इसके अंदर में जो है ना बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 16 लोग का जो भी कंप्लेन जाएगा ना, तो यहाँ पे एक समझ लो मेन मेथड है, एक कंप्लेन को क्या करेगा, अपने अंदर लेगा। तो एक नंबर पिन एक जो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जो पानी आ रहा है, अब ए वाले भाई साहब को मिल रहा है, कौन से भाई साहब को, एक नंबर वाले भाई साहब को मिल रहा है, और ये दो नंबर वाले हैं, ये भाई साहब को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है।
एक क्या किए, दो नंबर वाले भाई साहब इसको कंप्लेन किए, जो यहाँ अंदर मेन आदमी बैठे इसको कंप्लेन किए कि भाई साहब हमको पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ए वाले भाई साहब को सीधे यहाँ पे सूचना आएगा, ए वाले भाई साहब इनको सूचना देंगे और ये सूचना हमारे डिस्प्ले में जाएगा, ठीक है, ये डिस्प्ले में आ जाएगा E7 का। तो कुल मिला के समझ लो E7 हो गया, तो इसका मतलब पानी नहीं आ रहा किसके नंबर के, दो नंबर पिन वाले को। अभी क्या करेंगे दोस्तों, अब क्यों नहीं आ रहा है पानी, इसका समस्या का समाधान क्या है, तो हो सकता है इधर से ही पानी नहीं आ रहा हो, ये पाइप आपका ख़राब हो, हो सकता है यहाँ तक समझ लो कनेक्शन कट गया हो, ठीक है, इस पूरा यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वाले पाइप को आपको चेक करना है। हो सकता है जो दो नंबर वाले भाई साहब है यहाँ पे, जो यहाँ पे पानी लिए खड़े हैं, हो सकता है पानी लेने के लिए कुछ सामान ही नहीं रखे होंगे कि पानी ले पाए, खाली हाथ होंगे तो पानी ले नहीं पाएंगे, तो इसका भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं कि नॉर्मल कारण क्या है, E7 का एरर कोड आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, तो हम क्या चेक करते हैं समझ लो, अभी मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया, दो पाइप यानी दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, तो समझ लो ये पानी आपको बता दिया, फिर ये दोनों पानी आपका एक नंबर पिन पे जा रहा है, ये दो नंबर पिन पे जा रहा है, और इसके अंदर में हमारा समझ लो एक मेन आदमी बैठा हुआ है, जो सबका कंप्लेन यहाँ पे दर्ज होगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चेक करता हूँ कि ये पाइप तो ख़राब नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ से सप्लाई दे देता हूँ और दोनों यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज को आपको मेजर करना है, ये देखो यहाँ पे भी पानी घुस रहा है, नहीं करंट आ रहा है, यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ए वाले को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, यहाँ से आउट नहीं हो पा रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से आउट हो रहा है, पानी आउट हो रहा है और हमारे सीधे ए वाले भाई साहब के पास जा रहा है, लेकिन ए वाले भाई साहब के पास नहीं आ रहा है, एक नंबर वाले भाई साहब के पास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल यहाँ पे देखना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को चेक कर लो, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे ओपन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको फोकस करना है, जो ये मल्टीमीटर देख रहे हो इसमें क्या होता है, नए लोगों को समझ में आ जाता है, बट दोस्तों ए वाले मल्टीमीटर में नए लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो रजिस्टेंस मेरा कितने हैं, 820 के रेजिस्टेंस को चेक करना है, मैंने यहाँ पे रख लिया 200 के, यानी समझ लो 2000 के में सेलेक्ट कर लिया। तो अभी आपको क्या करना है, दोनों रेजिस्टेंस को मेजर करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, परफेक्ट नहीं बताइए क्योंकि पीसीबी के अंदर ही चेक कर रहे हो आप, ओके। तो यहाँ पे भी चेक कर लो, अगर ये रेजिस्टेंस ओपन रहता तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सही बता रही है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सही बता रही है, अब वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईसी को ओपन कर दो यहाँ पे, ठीक है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे आईसी का एक नंबर और दो नंबर पिन पे वोल्टेज को चेक कर लो, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी दोस्तों आ गया, लेकिन जैसे क्या हो रहा है कि मैं आईसी को लगा रहा हूँ तो एक नंबर पिन पे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नंबर पिन को नहीं लगाना है, ओके। अब यहाँ पे आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एक नंबर पिन को मत लगाओ। अभी दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे फोकस करोगे तो एक नंबर पिन को मैंने ओपन कर दिया है। अभी ओपन करने के बाद दोस्तों पता चल जाए कि आईसी तो ड्रॉप नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, दो नंबर पर पहले ही चेक कर लेता हूँ मैं, आ रहा है, और एक नंबर पे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आ रहा है, और जैसे मान लो इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ऐसे करूँगा तो ड्रॉप करेगा वोल्टेज को, ऐसे ड्रॉप कर रहा है नहीं शॉर्ट करने के बाद। तो कुल मिलाकर दोस्तों घुमा फिरा के यहाँ पे आपका आईसी की प्रॉब्लम है दोस्तों। ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा होती है, अगर E7 का एरर कोड आता है तो समझ लो वी गार्ड में आईसी लगभग समझ लो 20% से ज़्यादा खराब होता है। मेरे पास ऐसे बहुत कंप्लेन आते हैं, मैं इसका डिटेल्स वीडियो कभी आपको बना दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी है, इसके नाम से मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ जो आपके नॉलेज दे सकूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक आईसी लेता हूँ और आपको परफेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों आपको यहाँ पे नोट करना है, अगर इस टाइप का पीसीबी होता है, अगर E7 का एरर कोड होता है, तो लगभग मैं आपको E7 में देखो PMW सेक्शन को चेक करोगे, दोनों रेजिस्टेंस को चेक करोगे, IGBT को चेक करोगे, ओके। अभी बात करने वाले सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर की, तो माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों इसमें 20% से एबव में ख़राब होता है। अगर आपके पास सब चीज़ सही है उसके बाद भी E7 आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों वोल्टेज को आपको मेजर करना है, आईसी के एक नंबर पिन पे और दो नंबर पिन पे। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो आईसी का बहुत ख़राब होता है, मेरे पास कंप्लेन आता है, मेरे पास अभी सेम मॉडल का आईसी नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे VIC 10 का है, वी गार्ड में पहले की मॉडल जो आती थी इसमें यही खासियत था कि कोई सा भी मॉडल का आईसी लगे मैच कर जाता था। अभी देखो मेरे पास VIC 10 PCB है, लेकिन यहाँ पे 20 मॉडल का माइक्रो कंट्रोलर है, तो मैच कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे आईसी लगा दिया, आईसी लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं ऑन करता हूँ और यहाँ से ऑप्शन देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए E8 आ गया, यानी E8 आना मेटल को सेल्स करना है, वी गार्ड कंपनी में होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, मेटल को रखता हूँ, यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका मेटल को सेंस कर रहे हैं, ओके।
दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस करना है कि माइक्रो कंट्रोलर के कारण से E7 का एरर कोड आ रहा था। बाकी दोस्तों इसका मैं डेटा शीट बना लूँगा E4 का एरर कोड के लिए और E3 का एरर कोड के लिए। दोस्तों E4 वाले को आपको चेक करना है 12 IC के 12 नंबर पिन पे, यहाँ पे वोल्टेज हमेशा 3.5 होना चाहिए। और E3 वाले हमेशा दोस्तों यहाँ पे चेक करोगे 16 नंबर पिन पे, ये होना चाहिए हमेशा 1 से लेके 2 वोल्टेज के बीच में होना चाहिए। ये अगर आपके पास ऐसा एरर कोड आता है तो दोनों वोल्ट को चेक कर लेना। आईसी के दोस्तों 1 नंबर पिन पे और 2 नंबर पिन पे एक क्वाइल का इनपुट और क्वाइल का आउटपुट होता है, यहाँ पे भी 1 वोल्टेज होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 वोल्टेज होना चाहिए।